तो क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने स्किन का और अपने बालों की प्रॉपर केयर कर रहे होंगे। तो आज मैं आपको इस वीडियो में दो ऐसे सुपर इफेक्टिव होम रेमेडी बताऊंगी जो कि आपकी स्किन का जो ओपन पोर्स होता है उसको रिड्यूस करेगा, उसको श्रिंक करेगा। तो अगर आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स है तो लोगों का फोकस आपके पोर्स पे जल्दी चला जाता है। अगर आप कोई भी केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो आपके पोर्स के थ्रू आपकी स्किन में पहुँच जाता है और जो कि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी स्किन को क्लीन करना होगा। आप यहाँ पर ले ले 2 चम्मच कच्चा दूध और अपनी स्किन को कॉटन की मदद से क्लीन कर ले। अगर आपके पास रॉ मिल्क नहीं है तो आप अपना फेस वॉश या फिर क्लींजर से अपनी स्किन को क्लीन कर ले, फिर उसके बाद ही कुछ अप्लाई करें। तो सबसे पहले फेस पैक बनाने के लिए आपको चाहिए होगा अलसी के बीज, जो कि डेली लाइफ में ज़्यादातर लोग इसको यूज़ करते होंगे, लेकिन जो इसको नहीं जानता ना वो इसके फ़ायदे सुनकर हैरान परेशान हो सकता है, क्योंकि इसके अनगिनत फ़ायदे हैं आपकी स्किन के लिए, बालों के लिए, हड्डियों के लिए, दांतों के लिए, हार्ट के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर जो लोग मांस मच्छी नहीं खाते हैं तो वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ओमेगा 3 फैटी एसिड का बहुत बड़ा सोर्स होता है। आप इसको किसी भी किराने की दुकान से आसानी से खरीद सकते हैं। अगर आपको नहीं मिलता तो आप ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मिक्सर में डालकर इसको ब्लेंड कर लें। तो एक खाली बोल में 2 चम्मच डाल दें फ्लैक्सीड पाउडर और 2 चम्मच डाल दें मुल्तानी मिट्टी और जितना पानी की ज़रूरत है पानी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये पैक कोई भी लगा सकता है, मेल हो या फिर फीमेल, ये दोनों के लिए कम्प्लीटली बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और ये हर स्किन टाइप वालों के लिए बहुत अच्छा है। ये फेस पैक से आपके जो पोर्स होते हैं, जो भी बड़े बड़े लार्ज पोर्स होते हैं, वो रिड्यूस होते हैं। और दूसरे सबसे अच्छी बात कि अगर आपकी स्किन पे दाने हैं या फिर दाने के निशान हैं, एक्ने स्पॉट्स हैं, एक्ने मार्क्स हैं, तो उन सभी को भी ये ख़त्म करता है। ये फेस पैक को आपको 15 दिन में 1 से 2 बार लगाना होगा और ये आप जैसे नॉर्मल फेस पैक लगाते हैं उस तरीके से नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्लैक्सीड होता है वो अपना खुद का जेल प्रोड्यूस करता है। अगर आप ब्रश से लगाते हैं तो ये आपकी स्किन से गिर जाएगा। तो इस तरीके से जैसा मैं लगा रही हूँ अपनी स्किन पे धीमे धीमे डैप कर, उसी तरीके से आपको अपनी स्किन पे अप्लाई करना होगा और जब तक ये सूखे नहीं तब तक आपको अपनी स्किन को धुलना नहीं है। जब ये सूख जाएगा 15 से 20 मिनट लग सकते हैं, उसके बाद आप अपनी स्किन को नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगी, पोर्स आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे, स्किन काफ़ी ज़्यादा ब्राइटन फील करेगी और गर्मियों में तो ये बहुत ही अच्छा फेस पैक है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे फेस पैक की तरफ, जिसके लिए आपको चाहिए होगा 1 से 1.5 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और इसमें डाल दें चुटकी भर हल्दी पाउडर और यहाँ पर आपको चाहिए 2 से 3 चम्मच टोमेटो जूस। आप एक टोमेटो को अच्छे से ब्लेंड कर उसका जूस को निकाल लें। इस फेस पैक को आपको अपनी स्किन पे जैसे आप नॉर्मल फेस पैक यूज़ करते हैं उसी तरह यूज़ करना है। 10 से 15 मिनट के लिए लगाकर छोड़ दें, फिर उसके बाद अपनी स्किन को नॉर्मल पानी से धुल लीजिए। इस फेस पैक को हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ किया जा सकता है। इस फेस पैक की सबसे खास बात यह है कि इसमें मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है। मुल्तानी मिट्टी को नेचुरल एक्सफोलिएटर भी कहा जाता है। ये आपके जो पोर्स होते हैं, जो भी लॉक पोर्स हो जाते हैं जिसमें गंदगी जम जाती है, उसको साफ करता है। और सबसे अच्छी बात कि मुल्तानी मिट्टी जो होता है वो एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रखता है। हमारे जो बड़े होते थे, जो नानियाँ दादियाँ होती थी, वो मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती थी। मुल्तानी मिट्टी का अगर कोई भी ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो वो झाइयाँ, झुर्रियाँ या फिर जो रिंकल्स हो जाते हैं उससे बचे रह सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्किन के लिए होती है और ये फेस पैक आपके जो पोर्स होते हैं उसको रिड्यूस करेगा। जब भी आप इसको यूज़ करते हैं आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्लीन रहती है, ब्राइटन हो जाती है। अगर मुल्तानी मिट्टी आपको सूट नहीं करती है तो आप यहाँ पर बेसन का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कॉमेंट करिएगा। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।